सो एवरीबॉडी वी आर हियर। मेरे घर से पता नहीं इतनी ज़्यादा दूर है ये जगह। लुक्स लाइक ए गुड प्लेस, बस इतनी धूप नहीं होनी चाहिए थी। येस, एज यू गाइज सॉ आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज आई कुडंट। और एक और रेस्क्यू कॉल आ गया। शुगर लेवल अब कहाँ से आया मास्क? मैंने बोला तो तुम्हें, मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा निकाल रहा बोलो। एंड देवांश इज ट्राइंग टू कॉल। भैया जहाँ की लोकेशन भेजी थी वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। क्या पता करूँ? है हाँ, मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है ओके। सो हैप्पी, इतनी गर्मी में छाया में चिल करता हुआ। कहाँ लेना? बिजली चोरी कर रहा है वो। भाई इस समय भाई मैं ट्रांसफार्मर पे खड़ा हूँ। ट्रांसफार्म पे खड़े हो ना? हाँ ट्रांसफार्म पे खड़ा हूँ। ट्रांसफार्म से भाई जाओ बिल्कुल आप उल्टा हाथ को। ट्रांसफार्म से भाई, अरे ट्रांसफार्मर नहीं है ये, खंबा है यार। ये ट्रांसफार्मर ही है यार। सो वी आर हियर फाइनली आफ्टर बीइंग लॉस्ट ट्वाइस वी गॉट लॉस्ट। कहाँ जी किधर किधर? ये वो क्या कह रहा है? तू पागल, तू चला जाता। मैं बोलता जा रहा था तो एक नंबर का पूरे कॉम में पता नहीं क्या कर रहा है, बुला रहा है हमें। आकाश जा रहा है। चलो भैया वहाँ पे चलो। मैं आते ही हमसे जी नहीं वो गेट लग रहे थे यहाँ से घुरा ऐसा भागा है। और ये पता नहीं कि इस कमरे के गेट लगे होते हैं। इस कमरे में तो शायद स्कूल बढ़ा हो, उस कमरे में पूरे तो आपने वो दरवाजा बंद नहीं कर रखा था कमरा? क्या क्या अच्छा दिन है मेरे ये वाले शूज पहनने के लिए। इसमें बड़ा हो केवल इसी में है। इसको तो हटाना पड़ेगा। ये तो ना ये कट्टा वहाँ पे लगा होता है, ये वाला आप कह रहे नहीं कि अंदर। अगर आपके खड़ा हो भाई और ये जरा ओए ओए नहीं तो हमला कर रहे हो यार। अरे वो मैं मारूंगा दोनों को कह रहा हूँ। अरे ओए अरे ओए ओए So we searched the whole house, including their animal area. चलो जी शुक्रिया है। अब दोबारा फ़ोन कर देना। So we couldn't find the monitor lizard. We traveled for like 42 kilometers and we couldn't. वो था एक जुवेनाइल और छोड़ा 1.5 फुट के अराउंड का। So we couldn't find him, so we are just heading. अब Oksana is also waiting, Rahul bhaiya is also waiting. तो yeah, I might be able to see other YouTubers also. They were planning for a collaboration or something. Rahul bhaiya और कोई लोग भी हैं। Pulak is gonna come. So let me see. अभी एक और कॉल है, उसको ख़त्म करके we gonna go. तो देखते हैं अभी। चलो अभी तो कार में पेट्रोल भी बहुत कम है। पहले पेट्रोल पंप ढूंढेंगे फिर जाएंगे। इट्स सो गर्मी पता है। अगर गर्मी इतनी भी हो पर अगर एनिमल मिल जाए ना तो एक सेटिस्फैक्शन रहता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से सेटिस्फैक्शन रहता है। पर या वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब प्राइम चीज़ हमेशा यही होनी चाहिए, डजेंट मैटर कितने भी किलोमीटर्स हो, डजेंट मैटर कितना भी टाइम मेहनत करिए आपने, अगर वो जीव सेफ है तो इट्स गुड फॉर यू। अगर वो अभी उनके घर पे भी है तो वी हैव टोल्ड हिम बहुत अच्छे से उनको कि वो बहुत अच्छे से उसका यू नो दे आर नॉट गोना हार्म द लिजर्ड, और वो दोबारा हमें कॉल करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी रोल। बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे एंड इट्स गुड हरियाली, मतलब एज इन आई कैन सी वीड एवरीवेयर। यूपी में यही है, ड्राई एरिड रीजन आता है, वहाँ पर यू कैन सी वीड और एवरी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये थोड़ा दिमाग वाला है, जोक्स करने हैं प्लीज़ कर लेना, मैं तो क्या ही मना कर सकता हूँ। अरे मेरे को भी दे दियो सैनिटाइजर, अरे देना सही से, अरे लो अरे सैनिटाइज़र। ये देवांश का सैनिटाइज़र है एंड इट फील्स लाइक अ परफ्यूम। हाँ तो एक दिमाग वाला क्वेश्चन है कि इंडिया में लीगल होना चाहिए वीड या नहीं, मतलब आई डोंट नो, आई एम न्यूट्रल एट दिस। व्हाट डू यू थिंक देवांश, लीगल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यहाँ से कहाँ लेना पहले ये बताओ। लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं देवांश किस तरीके से अपने बालों को सही कर रहा है, बिकॉज आई वाज गोना स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ राहुल भैया के पास एंड Oksana इज ऑल्सो देयर, शी इज़ वेटिंग फॉर मी। आई डोंट नो, राहुल भैया हैड सम कोलैबोरेशन विद सम पीपल। मेरे को एक दो पेपर वर्क की बातें करनी है, Oksana इज हैंडलिंग एक दो ऑपरेशन, तो उसका पेपर वर्क है सारा, वाइल्ड लाइफ सब कुछ, वाइल्ड लाइफ सारे वाइल्ड लाइफ ऑपरेशन एंड ऑल। और यहाँ पे अंधेरा हो गया है बिकॉज आई इन वन अंडरपास। सो या हमें मॉनिटर रिजल्ट तो मिला नहीं, बहुत कोशिश की। दूसरा भी ये कॉल आ गया था तो आई सेंट आकाश देयर, आकाश को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई जिसको, क्योंकि आई वॉज बींग लेट यहाँ पर आने के लिए। तो सही है, हमें मॉनिटर रिजल्ट मिला नहीं, बहुत दुख हुआ, बट इट्स ओके, एटलीस्ट दैट गाय इज़ नॉट गोना किल द लिजर्ड। और अब उसके घर पे ही होगी तो वो सेफ है जब तक उसको दोबारा नहीं देखती है वो तो। सो या चलो अब हम जा रहे हैं, I'm gonna take you guys along, और हम बहुत सारे जानवरों से भी मिलने वाले हैं, ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी। There gonna be some special snakes today, special animals today, and one of my favorite lizards जिसको मैं रखना शायद से चाहता था। चलो okay bye, I'll see you. So we are here finally. So and we are looking for Oksana right now. कहाँ है Oksana? This place is अ लिटिल वियर्ड क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर ये ऐसे लोग जा रहे हैं और दे आर वॉचिंग अस। आई हैव सम प्रॉब्लम विद माई रिस्ट, शिट यार मैं वो सपोर्ट लेना आज भी भूल गया। और नो मैन, ले लो सपोर्ट, ले लो सपोर्ट, सपोर्ट लेना ज़रूरी है। कहाँ है यार वो? अरे नो मैन, ये तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। Oksana इज कॉलिंग मी। हाय, क्या चाहिए? अरे बिठा लेना। हिप्पी, गोवा जाना है? गोवा नहीं जा रहे, चल आगे कर ले। हाय हाय Oksi, हाय व्हाट्स अप, चले अंदर। हाँ तुझे बैठना है तो बैठ जा, यू कैन सिट। वेलकम टू माय बॉयफ्रेंड चैनल। सिट व्हाई सिट, कम इनसाइड। तो कार के यहीं पे फाइनली यार, आई हेट ड्राइविंग। देवांश गिव अप ऑन मी अभी कुछ टाइम पहले कि आप ड्राइव कर लो, मेरी कमर दर्द है एंड ऑल दैट थिंग। हाय नहीं, देयर इज नथिंग, वी कुडंट फाइंड द लिजर्ड। ओए चाबी गिर गई यार। ओके आई कैन सी सम पीपल देयर, everybody is watching me and there's a dog also. बहुत ही बढ़िया। हाय मैन, हाउ आर यू? बहुत लंबे समय के बाद है। So finally. Surprise for me actually. Yes man. Oh wow, very nice, beautiful specimen. बहुत अच्छा। अरे finally I met him also. Sultan. Thank you so much for bringing him. Hi. You remind me of Thiesa so much. ओह अच्छा, आपकी आँखें अलग अलग हैं। और Shakal everybody. So beautiful man, so beautiful. I mean this snake. We have all the people with us today. It's quite good. Oksana तो बस क्योंकि मैं rescue calls पे था. Everybody is just concerned or thinking about what I don't know. Look at Pulak, getting excited man. Chalo anyway. So I'm just gonna go and I'm gonna make you see the ostriches. अरे एक छोटा एक बड़ा है. So we have these ostriches. Oh, hi emu. This is one emu. Hi. Arey, look at this. We have two ostriches. One is humongous, the other one is just a baby. इनका दिमाग बहुत छोटा होता है, इनके आँख से भी ज़्यादा छोटा होता है. And they have strong legs. Man. हाँ, उसको छोड़ देते हैं आप. Hi, we have one gophers. Oh my God, अच्छा. Okay, very nice. Hi, acha head scratches. Beautiful. Chalo, let's go there. वो वहाँ पर अपना chill कर रहे हैं. Hi, and I have this beautiful thing with me. Oh, actually, wait. You need to come here. Where? डांस उसको भी गर्मी लग रही है. So Rahul bhai is showing them all our tegu. The tegu is over there. पहले I'll just let them complete everything. इसको पकड़ ही लो आप थोड़ी देर ना. Yes. So here we have this. आज मैं कैमरा भी नहीं लेके आया स्पेशली क्योंकि टूटने के चांसेस ज़्यादा थे. हाँ. We have one Argentinian black and white. और अगर राहुल भैया ने मेरे को काटा ना तो मुझे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के बंदे पे केस ठोकने में मजा नहीं आएगा. मैं काम करते से प्रोवोक कर देता हूँ थोड़ा. अर्जेंटाइन ब्लैक एंड व्हाइट टेगू 4 फुट के आसपास का हो जाता है. ये अगर गलती से अगर आप लोगों ने पाल लिया है तो ये इन्वेसिव स्पीशीज है और बहुत जल्दी आपके नेटिव होना को अफेक्ट कर सकता है क्योंकि ये वेज भी खा सकती है, नॉन वेज भी खा सकती है, सब कुछ खा सकती है. और अपने वहाँ का ये एपेक्स प्रेडेटर है तो यानी कि छोटे आपके जो कुछ भी खा सकते हैं, आपके गिरगिट, गो और ये चूहे, चिड़िया, पता नहीं क्या क्या खा जाएगा. तो अगर गलती से पाल लिया है तो पूरा ध्यान से पालो, अदरवाइज ये हर किसी का पेट नहीं है, हर एक चीज़ सबके लिए नहीं होती है. तो मैं भी ना, हम लोग यही बात कर रहे थे. मैं ऑलिव के अराउंड मैं सोच रहा था एक टेगू रखने के लिए पर आई couldn't keep him क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे जानवर ऐसे खुले घूमते रहते हैं. एंड यस, आपके अपने पुलकित, बाय द वे पुलकित, congratulations. So here we can see 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, there are 8 iguanas. ये एक मछली, oh sorry, we have silver arowanas 8. ये एक मछली इस पूरे टैंक के बराबर हो सकती है. एंड दे हैव 8 इनसाइड. आई डोंट नो व्हाट टू से बट यस. आप खिलाते क्या हो इनको? लाइव फिश सिर्फ सिर्फ लाइव फिश देते हो यार। आपका फिल्टर तो आपने मतलब फिल्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा है आपका, इतनी तो ये तो अमोनिया बहुत ज़्यादा कर देती होंगी पानी में ना, मतलब लुक एट द साइजेस उसका देख। इनको ड्रैगन फिश बोलते हैं, पता है क्यों? इनको सबसे ज़्यादा मदरली इंस्टिंक्ट बोला जाता है, ये सबसे अच्छी माँ होती है क्योंकि बच्चे अपने मुँह में रखती है। ये जो मुँह है ना इसका, इसके अंदर बच्चे आ जाते हैं, और जब अंडे देती है तो ये अंडे ही मुँह में रख लेती है, और उसके बाद जब तक वो पैदा नहीं होते, हाँ बीच बीच में रखती है। आई यार ओक्साना, सो दिस इज सिल्वर अरोवाना। मैं इतना दिन में इगुआना बोल देता हूँ तो दैट आई फॉरगेट, एंड आई सी वन वेरी ब्यूटीफुल मेल ओवर देयर। हाँ आई हैव हर्ड अबाउट हिम। बहुत अच्छा करा हुआ, वेरी नाइस। कितने होंगे इसमें? 200 के लगभग यार। अमोनिया मैनेजमेंट और ये सब मतलब इट्स वेरी नाइस। अच्छा ये कोऑर्डिनेटिंग रेस्क्यू कॉल्स स्टिल आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, आई डोंट नो व्हाई। मेरा दिमाग अलग चीज़ों में चल रहा है। सो वी हैव वन पॉन्ड ओवर हियर, एज यू कैन सी। इसमें देर आर छोटे छोटे गपीज जो कि ओक्साना ने बोला है, आई हैवंट सीन देम। तो ये फिश जो होती है इसको हम बोलते हैं एलिगेटर गार। इसकी शक्ल एकदम एलिगेटर जैसी होती है, और ये बहुत ही अच्छी इन्वेजिव स्पीशीज़ होती है। इन्वेजिव मतलब अगर हमने इनको यहाँ पर छोड़ दिया कहीं वाटर स्ट्रीम्स पर नेचुरली, तो इंडिया की वाइल्ड लाइफ ये कर देगी काम उसका। एंड देयर आर 3 ऑफ देम। लोग बड़े बड़े हो जाते हैं तो ये फ्री में दे देते हैं, तो देयर इज अ रीज़न। एंड सुल्तान इज रोमिंग ऑल अराउंड, सुल्तान इज लुकिंग एट द फिशेज। हाय सुल्तान, और लुक एट हिज कोट मैन। थियसा की याद आ गई मुझे। हाय सो होइस हो। Very nice. This is Carpenter B. This is called Red Carpenter B, I guess.